गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये UPTGT PGT की एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गई है, और इसके लिए क्या है कि अब अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी है तो अभी भी आपके पास वक्त है, जिसमें कि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से तैयारी करके भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था UPTGT का हिंदी का सिलेबस, जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो हमने TGT के लिए सिलेबस डिस्कस कर लिया है, और अब हम करने वाले हैं PGT के बारे में। तो PGT हिंदी का जो सिलेबस होगा उसके बारे में देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। TGT में जो हमने सिलेबस देखा था, अगर आप इसको देखें तो लगभग आपको सिमिलर ही मिलेंगे टॉपिक्स, तो लगभग सिमिलर मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, TGT और PGT का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि PGT का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, उससे थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, TGT का थोड़ा कम रहता है इससे। लेकिन जो टॉपिक्स की बात करें अगर हम, तो टॉपिक्स लगभग आपके सेम ही रहते हैं। देखो, जैसे अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने TGT का सिलेबस डिस्कस किया था, और अगर आप ये वाला देखें तो आपको टॉपिक बिल्कुल सिमिलर ही लगेंगे। देखो, यहाँ पर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें देखा था, तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सभी टॉपिक्स हैं ये आदिकाल, भक्तिकाल और इनकी शाखाएँ सभी, ऐसे ही रीतिकाल में ये इसकी ये रीतिकाल भी कई भागों में विभक्त है। इसके अलावा भारतेंदु युग, द्विवेदी, जो मॉडर्न जो हमारा मॉडर्न जो हिंदी है उसके बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा देखो, गद्य साहित्य का विकास, इसमें भी हमने वो टॉपिक देखे। तो मतलब अगर आप टॉपिक्स पर नज़र डालें तो लगभग सेम ही है। तो अगर आपने दोनों के लिए फॉर्म भरा है ना, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी दोनों की एक साथ ही। तो अलग से कुछ आपको तैयारी नहीं करनी होगी, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल इसमें पूछा जाएगा, जो प्रवक्ता की जो एग्ज़ाम होता है, मतलब जो PGT का जो एग्ज़ाम होता है। तो बाकी काव्य शास्त्र से देखो, काव्य से संबंधित ये इन टॉपिक्स से आ जाएंगे क्वेश्चंस, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। तो ये उसमें नहीं दिया हुआ था TGT में, काव्य गुण और काव्य दोष, लेकिन आप पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। कोई भी टॉपिक ना छोड़ें आप, जिससे कि कोई गुंजाइश ना रहे कि आपके मार्क्स किसी टॉपिक से कम हो गए हैं। तो बाकी देखो, भाषा विज्ञान है इसमें, भाषा विज्ञान, हिंदी की उपभाषाएँ क्या हैं, हिंदी की बोलियाँ क्या हैं, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, तो ये सभी आपको तैयार कर लेना है। और बाकी इसमें व्याकरण का जो पोर्शन है, देखो उसमें वही है, व्याकरण का तो सभी पूरा ही पोर्शन आ जाता है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य भी आता है इसमें, UPTGT या PGT दोनों में ही संस्कृत साहित्य से भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो देखो, हिंदी का साहित्य तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ संस्कृत का साहित्य भी पढ़ना है, और इसकी व्याकरण भी पढ़नी है। तो व्याकरण इसकी थोड़ी सी अलग होती है हिंदी से, इसमें देखो जो संधि होंगी उसके भी टाइप्स बढ़ जाते हैं, और जो आपके समास होंगे वो थोड़े डिफरेंट लगेंगे। इसके अलावा जो आपकी विभक्ति है इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा धातु रूप, शब्द रूप होते हैं इसमें, काल के अनुवाद, तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस क्या कहते हैं, थोड़ा ब्रॉड लेवल का कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया इसमें सिलेबस, उसमें इससे थोड़ा कम है TGT में। तो अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, तो आप आज से ही टाइम वेस्ट ना करते हुए तैयारी शुरू कर दें। और जो मुझसे तैयारी करना चाहते हैं तो वो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।